नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोडक्ट कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि रेक्टल कैंसर फैलने में कितना समय लगता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, रेक्टल कैंसर होने में भी बहुत टाइम लगता है। मतलब जब भी कोई छोटा पॉलिप रेक्टम में बनता है उससे कैंसर होने तक लगभग 12 से 13 साल लगते हैं। और इसी दौरान अगर हम कुछ टेस्ट करें, स्क्रीनिंग टेस्ट करें, तो जिसे हम फीकल ऑकल ब्लड टेस्ट बोलते हैं, जिसमें कि स्टूल में जो हमारी लाल पेशी रहती है जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं। अगर वो डिटेक्ट हुआ तो हम कोलोनोस्कोपी करते हैं और बहुत शुरू के स्टेज में पॉलिप्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं और कैंसर होने से बच सकते हैं। बट एक बार अगर रेक्टल कैंसर हो जाता है तो उसको फैलने में लगभग 3 से 5 साल लगते हैं। वो बहुत ही वेरिएबल रहता है। एक बार इन्वेजिव कैंसर हो जाता है तो उधर के उधर फैलता है, यानी कि साइज उसका बढ़ जाता है, इंटेस्टाइन की वॉल में फैलता है। दूसरा, वो लिम्फैटिक यानी कि लस नलिकाओं से रेक्टम की साइड या मलाशय की साइड में जो लिम्फ नोड्स रहते हैं जिसे हम लस ग्रंथि रहते हैं उसमें भी फैलता है। और तीसरा, खून से पूरे शरीर में फैलता है। अगर वो बीमारी है वो उधर के उधर बहुत दिन रहता है जिसे हम रेक्टल लोकलाइज या लोकली एडवांस रेक्टल कैंसर कहते हैं। बट एक बार वो शरीर में पूरी तरह से फैल जाता है तो हम उसे मेटास्टेटिक रेक्टल कैंसर कहते हैं। बट बाय एंड लार्ज रेक्टल कैंसर फैलने में बहुत टाइम लगता है, एक स्लोली ग्रोइंग कैंसर है। अगर आपको बद्धकोष्ठता है, कॉन्स्टिपेशन है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट डेफिकेशन, मतलब आपको स्टूल जाके भी स्टूल नहीं हो रहा है बट ऐसे लग रहा है कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ है। तीसरा, स्टूल पास करते टाइम आपको पेन हो रहा है जिसे हम टिनिसमस कहते हैं, ये या अर्ली मॉर्निंग डायरिया, मतलब उठते उठते ही जल्दी से स्टूल को जाने की जरूरत पड़ते हैं और उस टाइम पे सिर्फ शेम यानी कि मुकस ही गिरता है। अगर ये सब लक्षण है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, निगलेक्ट ना करें, ये सब रेक्टल कैंसर के लक्षण हैं, तो जल्द से जल्द आपके डॉक्टर की सलाह लीजिए। बाय एंड लार्ज रेक्टल कैंसर थोड़ा सा स्लोली ग्रोइंग कैंसर है, इसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट अगर हम टाइमली एक्शन ले लें तो इससे हम पूरी तरह से बच सकते हैं। धन्यवाद।